बहुत इस्तकार जोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जीओ। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सतकार सहित आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तकरीबन जदों का सारे विश्व के COVID-19 का प्रकोप शुरू होया, बहुत सारे लोगों को अपनिया जाना तो हाथ धोने पे ने, बहुत सारा संताप लोगों ने भोगया। सिख कौम की कह सकते हो कि किस्मत दे विच जा होनी दे विच जेड़ा इस संताप का एक होर रूप सामने आया सी, जो कौम के नामवर कीर्तनीय और रागां दे विच खास महारत रखने वाले भाई निर्मल सिंह खालसा जी इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके सन। तो उस तो बाद भी तकरीबन इंज लगता है कि दो तीन अजिहे रागी साहबान कौम की बुकल दे विच्चों खुस चुके ने, जिन्हां दे नाल किते ना किते सिख कौम नू एक ना पूरा होने वाला घाटा पिया है। भाई हरनाम सिंह जी श्रीनगर वाले हजूरी साग रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब, तो अज भाई सुरेंद्र सिंह जी जोधपुरी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर, अज उन्हां दा संसार तो चले जाना। भावें कि अक्सर यह पता सी कि वह छाती और गले की बीमारी तो पीड़ित ने, पर किसी नूं भी इंज नहीं सी लग रहा कि वह इन्नी जल्दी इस संसार तो रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि जदों असी उस परिवार की संघर्ष के विच सेवा नूं वेखदे हां तो उस दे विच भी उन्हां दा योगदान बड़ा अहम रहा है। जेकर किरत दे सिद्धांत नूं वेखदे हां उस दे विच भी उन्हां दा योगदान बहुत अहम रहा है, तो जेकर असी कीर्तन परंपरा के रूप दे विच वेखदे हां तो भाई सुरेंद्र सिंह जोधपुरी जी ने एक लंबा समा श्री दरबार साहब के हजूरी रागी के वजों सेवा की, और कुदरतन परमात्मा दे वल्लों बख्शी आवाज़ दे विच विलक्षणता और लय इवें दी सी कि उन्हां दा कीर्तन जिहड़ा सी वह सारियां तो एक विलक्षण अंदाज दे विच सारियां नूं महसूस हुंदा सी। परिवार संघर्ष दे नाल किवें जुड़िया इस नूं जानना बहुत जरूरी है, कि असी बहुत सारे लोग उन्हां दे परिवारक पिछोकड़ दे बारे या उन्हां दे परिवार दे विच होई अहम शहादत या सिख संघर्ष दे विच जिहड़ा उन्हां दे परिवार का योगदान है असी नहीं जानते। दरअसल भाई सुरेंद्र सिंह जी जोधपुरी, भाई मनजीत सिंह जी जिन्हां नूं असी भाई मुसीबत सिंह दे नाम दे नाल जानते हैं, जिन्हां दी शहीदी 20 अगस्त 1982 होई सी जदों उन्हां ने एक जहाज़ अगवा किया। थोड़ा जिहा दसना इस करके जरूरी है कि भाई मनजीत सिंह दे उर्फ भाई मुसीबत सिंह जी दे छोटे भरा सन भाई सुरेंद्र सिंह जी जोधपुरी, एक इन्हां दे वड्डे भराता सरदार दर्शन सिंह। अक्सर जदों परिवार दे विच्चों या भाई मुसीबत सिंह दे बारे उन्हां दे परिवार दे नाल कीतियां गईयां वख-वख मुलाकातां दे विच्चों कुछ अंश निकल के सामने आए तो उन्हां तों इंज जिहड़ा कह सकते हो कि जानकारी मिलती है कि भाई मनजीत सिंह जी बचपन तो थोड़े शरारती सुभा दे सी, और किते ना किते ऐसे काम करते सी कि एक वारी माँ ने बचपन दे विच भी कह दिता सी कि तेरा नाम मनजीत सिंह नहीं बल्कि तेरा नाम ते मुसीबत सिंह होना चाहिए, हर वेले अपने आप नूं मुसीबत दे विच पा के रखदा है। कई वारी अचनचेत कई गल्लां जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दा साकार रूप किस तरह का सामने आउंदा है कि सचमुच भाई मनजीत सिंह उस मुसीबत सिंह दे रूप दे विच उभरिया जिसने सारी भारत की सरकार नूं मुसीबत दे विच पा दिता। भाई मनजीत सिंह जी जिहड़े कि सरदार सुरेंद्र सिंह जी दे वड्डे भराता सन, उन्हां दा जन्म तकरीबन तरीक तो नहीं मिलती 1956 दे विच होण दा जिहड़ा जिक्र है कुछ स्रोतां दे विच मिलता है। सरदार दर्शन सिंह उन्हां तों वड्डे सन, ते भाई मनजीत सिंह जिहड़े सीगे इन्हां दा जिहड़ा आनंद कारज है वह 1978-79 दे करीब बीबी शरण कौर दे नाल होया, ते 70-80 दा तकरीबन वह दहाका है, क्योंकि जेकर असी पंजाबी सूबे की सारी संघर्ष की तारीख नूं पढ़िए तां तकरीबन 60 तो बाद वैसे जेकर सोचा जाए तो देश की आज़ादी तो बाद ही जदों सिखां नूं जराइम पेशा होण दा एक तरह के नाल फतवा जारी कर दिता गया तो साढ़े संघर्ष का आरंभ तो उदों ही हो गया सी। एक गुलामी के विच्चों
दूसरी गुलामी दे विच असी दाखल हो चुके सी। एक गुलामी नू लाउण दे वास्ते बहुत सारियां शहादतां दित्तियां जा चुकियां सी ते दूजी गुलामी नू गलों लाउण दे वास्ते अजे तक शहादतां दा दौर चल रहा है। सो भाई मनजीत सिंह उस वेले संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दीयां तकरीरां तों बहुत ज़्यादा मुतासर होए ते इन्ने ज़्यादा कह सकते हो कि प्रभावित होए कि जदों 78 दे विच नरकधारियां दे वल्लों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी की गई तो वह अक्सर ही उस तो बाद जदों संत जरनैल सिंह हुणां वल्लों धर्म युद्ध मोर्चे का आरंभ कर दिता गया तो उन्हां दीयां तकरीरां नूं सुण दे वास्ते जाया करदे सी। ये मैं सारी गल इस करके कह रहा कि असी बेशक अज सानू सारयां नूं दुख है कि साडे विच भाई सुरिंदर सिंह जोधपुरी वर्गे एक रसीले कीर्तनीय नहीं रहे, पर केवल तो केवल उन्होंने परिवार के पैदा हुए इस हीरे ने कीर्तन के सदका ज कीर्तन की दात के सदका ही कौम की सेवा नहीं की, बल्कि उन्होंने परिवार के भाई मनजीत सिंह भी सी जिन्हों की शहादत हुई सी। और जे कह सकते हैं कि तकरीबन जहाज अगवाकारी की घटना के पहली शहादत सी उस समय के। उन्हां दी माता जी ने एक इंटरव्यू दे विच दस्या सीगा कि तकरीबन मनजीत सिंह जदों घरों गया तो यह कह के गया सी कि मैं हजूर साहब के दर्शनों वास्ते जा रहा है, पर पता उदों लगा जदों खबरां यह आ गईं कि मनजीत सिंह उर्फ मुसीबत सिंह ने उदयपुर तो दिल्ली आ रहे एक जहाज़ नूं हाईजैक कर लिया है। तो बेशक जहाज़ दे विच किसी भी मुसाफिर का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं सी कीता गया, तो उन्हां दा इरादा सी जां फिर उन्होंने पायलट नूं पहलां तां इह कहा कि जहाज़ नूं लिबिया लैके जाना है, उस तो बाद इह जिहड़ा जहाज़ है इह पाकिस्तान लैके चले गए। पाकिस्तान जिहड़ा उत्थे उन्हां दी जहाज़ की लैंडिंग ना हो सकी, बहुत समा जहाज़ जिहड़ा सीगा असमान दे विच घूमदा रहा। उन्हां दी माता जी दसदे ने कि बेशक किसी मुसाफिर का नुकसान नहीं सी होया ते उन्होंने एक गल कही भी सी सरदार मनजीत सिंह हुणा ने कि मैं ये जहाज अगवा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हो रही बेअदबी के रोस के वजों जिहड़ा वो कीता है। तो कहिंदे कि सानू खबरां दे विच पता लगा सी कि जहाज का अगवाकार साडा ही बच्चा है जिसनों असी घर दे विच प्यार दे नाल मुसीबत सिंह भी क्या करते सी। सो उन्हां दे माता जी जिहड़े ने उन्होंने एक इंटरव्यू के दसिया सीगा कि जदों ये खबर नशर हुई कि अमृतसर के मनजीत सिंह उर्फ मुसीबत सिंह ने जहाज़ अगवा कर लिया है, पहला जहाज़ नूं लिबिया लैके जाने की जिहड़ी खबर सी वो आई, उस तो बाद पाकिस्तान उन्होंने जहाज़ नूं लैंड कराने के वास्ते यतन किए, पर बहुत समा जहाज़ असमान दे विच घूमदा रहा ते भारतीय हुकूमत दे दबाव दे करके पाकिस्तान की सरकार ने उत्थे लैंड करन दी इजाजत ना दिती। जहाज़ दे विचों तेल खत्म हुंदा जा रहा सी, पर जिस मंशा दे वास्ते जहाज़ अगवा कीता सी उहदा निशाना यह नहीं सी कि जहाज़ दे मुसाफरां नूं कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि सरदार मनजीत सिंह हुणां ने जिस तरह के नाल इस सारी कार्रवाई नूं अंजाम दिता सी उहनां नूं ते पता सी कि मेरे नाल की होवेगा, पर जेकर बाकी मुसाफरां दी जान माल का ख्याल ना हुंदा तां मेरे ख्याल दे नाल जदों बंदा आत्मघाती रूप दे विच इस सारे मंशे नूं अपने मन दे विच परपक कर लैंदा है कि मेरी जान तां जानी है, पर उस जान जाण तों पहलां उह बाकी मुसाफरां दी जान बचाउण दे वास्ते किन्नी ज़्यादा सहिरदता दे नाल सोच रहे सन। पता सी कि भारत की किसी भी एयरपोर्ट के उपर उतरन तो बाद मेरे नाल जो किया जाएगा ज जा मेरा जो हशर होगा वह अन्ना दी अखां दे सामने सी, पर जहाज़ दे विचों तेल खत्म हुंदा जा रहा सी ते निर्दोष मुसाफरां दा कोई नुकसान ना होवे उन्होंने दोबारा राजा सांसी हवाई अड्डे के उपर जहाज़ नूं उतारन दे वास्ते कहा। इत्थे फिर भारतीय फोर्सां ने अपनी चाल दे विच लिया के भाई मनजीत सिंह नूं किसी तरह के नाल बाहर कुछ कह सकते हो कि जिन्हों असी कहने कि समझौता नीति तहत के असी तुहाडे उपर कोई कार्रवाई नहीं करांगे ते असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी के दोषियों को सजावां देवांगे। इस विसाघात का शिकार होए भाई मनजीत सिंह ते DSP बचन सिंह ने उन्हां नूं उत्थे ही मौके दे उपर गोली मार दित्ती तो शहादत प्राप्त कर गए। सो ये भाई मनजीत सिंह उर्फ भाई मुसीबत सिंह भाई सुरिंदर सिंह जी जोधपुरी जी के वड्डे भराता सन, उन्हां तों वड्डे भराता सरदार दर्शन सिंह, तिन्हां भरावां दा जिहड़ा जन्म है माता करतार कौर की कुख तो होया। सो मेरा दसण तो भाव यह
कि जिथे भाई सुरेंद्र सिंह जोधपुरी जी ने कीर्तन की दात के सदका एक लंबा समा एक वक्री लय दे विच संगतां दी सेवा कीती है, उत्थे उन्हां दे परिवार ने कौमी संघर्ष दे विच शहादत दा योगदान पा के भी अहम सेवा कीती है। सो ये केवल तो केवल आप जी की जानकारी हित सी कि सानू पता होवे कि जो असी मंच के उपर कीर्तन कर दियां शख्सियतां नू वेखदे हैं तां कि उन्हां दा परिवारक पछोकड़ केवल तो केवल कई बार कीर्तन तक ही सीमित नहीं हुंदा, वह परमात्मा का कीरत ही नहीं करते, उन्हां दे विच परिवार का किते ना किते वह अंश भी शामिल हुंदा है जिहदे विच उन्हां दीआं कौमी भावनावां जुड़ियां हुंदियां ने, ते जिथे वह सिमरन करते हुंदे ने उत्थे उन्हां दे पिछे एक शहादतां दा फलसफा भी खड़ा हुंदा है। सो इन्नियां बेनतियां परवान फतेह दी सांझ सतकार सहित आखणा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।